ओके सर, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो, हमने स्विच का डेटा फ्लो पूरा पढ़ लिया था। आज हम जी बात सर, करेंगे राउटर के ऊपर, ठीक है? क्योंकि ओके बेसिक सर, पहले मुझे क्लियर करना है, इसलिए थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है? फिर जी हम सर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं सारी चीजें। बेसिकली ओके जो सर, राउटर होता है वो क्या कहता है, राउटर जो है लेयर थ्री डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? लेयर थ्री डिवाइस सर, लेयर थ्री डिवाइस का मतलब इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। किस पे काम करता है वो? डेटा डेटा लिंक लिंक। ओके, लेयर पे। गलत फेंक दिया ना, रुक जाओ। अभी मैंने किसी को स्विच पढ़ाया वही याद है क्या? वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। लेयर थ्री का मतलब नेटवर्क लेयर, ठीक है? ओके, ओके राइट सर, नाउ सेंड एंड रिसीव। सेंड और जी रिसीव किसको करता है? सर, पैकेट। क्लियर है ना? चलिए, अब जी जैसे सर, इसकी लेयर थ्री की बात आती है ना, इसकी बात आती है वर्क ऑन लेयर थ्री की, तो जो लेयर थ्री डिवाइस है ये वाला, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। कैसा डिवाइस है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स डिवाइस। क्लियर है? अब बात करते हैं इस जी पे दूसरी, इस पे जो नंबर ऑफ पोर्ट्स आते हैं, क्या बात करें, नंबर ऑफ पोर्ट्स यानी कोर्स इंटरफेस कितने मिल सकते हैं, दो, चार या छह। छः, ओके क्लियर है? सर, ओके, राइट नाउ दूसरी बात करते हैं, राउटर। जी सर, राउटर सपोर्ट राउटिंग प्रोसेस। क्या सपोर्ट करता है ये? राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस राउटर मेंटेन टेबल आप टेबल। क्या मेंटेन करता है ये? आर्क टेबल। जी आप टेबल बताया था ना, लेयर थ्री डिवाइस मेंटेन करता सर, है। राउटर जी सर, मेंटेन कौन सी टेबल मेंटेन करता है? राउटिंग राउटिंग टेबल। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी, मोड्स होते हैं इसके पास। क्या होते हैं मोड्स? अब इस मोड डिवाइस को आप दो मोड में एक्सेस कर सकते हो, जी, जीयूआई भी ग्राफिक्स हो सकता है और और सीएलआई। इंटरफेस सीएलएस। सीएलआई। क्लियर है? चलो ओके सर, और बात करते हैं राउटर। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, राउटर एवरी इंटरफेस। राउटर का हर इंटरफेस, हर पोर्ट, इंटरफेस जी राउटर सर, एवरी इंटरफेस इन डिफरेंट नेटवर्क नेटवर्क। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ग्रुप। ग्रुप। क्लियर? चलिए दूसरी ओके बात, राउटर एवरी इंटरफेस। सेपरेट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंबर। क्योंकि राउटर का हर इंटरफेस क्या होता है? सेपरेट होता है, यानी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पर ब्रॉडकास्ट जाएगी। क्लियर है? क्लियर ओके आएगा इतना? चलो बात करो दूसरी, राउटर टाइप्स। राउटर के भी टाइप्स होते हैं आपके पास, पता है आपको? जो ओके सर, ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं उनके राउटर टाइप्स होते हैं, जैसे स्विच दिखाई दे। राउटर आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक होगा फिक्स सीरीज का राउटर। कौन सी सीरीज का राउटर? फिक्स्ड सीरीज फिक्स सीरीज का राउटर। एक होगा जी आपके सर, पास मॉड्यूलर सीरीज का राउटर। कौन सा? मॉड्यूलर सीरीज राउटर। क्लियर है? मॉड्यूलर सर। ओके ओके, सर, और बात करते हैं राउटर डिफरेंट पे। क्या बोले? डिफरेंस इसमें होता होगा ना सर, फिक्स। मैं बताऊंगा अभी, बताऊंगा अभी, धीरे धीरे। राउटर ओके हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। राउटर पे क्या है? डेटा ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है, इसलिए इसके मैकेनिज्म, पास पोर्ट टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट पोर्ट टाइप। टाइप्स। अब जब भी राउटर की आप फायरवॉल पे कुछ पॉलिसी बना के लगाना चाहोगे राउटर के पोर्ट्स पे, फायरवॉल के थ्रू, जी तो वहां पे आपको पोर्ट दो जी टाइप के बताने को मिल सकते हैं फायरवॉल के अंदर, कि कौन से पोर्ट पे पॉलिसी लगानी है आपको, इनग्रेस पोर्ट गुड्स, या ईग्रेस पोर्ट। बताओ उनको कौन से पोर्ट पे लगानी। इनग्रेस पोर्ट का मतलब इंग्रेस इनकमिंग, जहां पे डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है। ईग्रेस का मतलब
आउटगोइंग, जहां से डेटा क्या हो रहा है जा रहा है, आउटगोइंग बाहर निकल रहा है, क्लियर है, दोनों पोर्ट बता सकते हो। और बात करते हैं राउटर, राउटर सपोर्ट नेट ट्रांसलेशन, क्या सपोर्ट करता है, नेट ट्रांसलेशन, ओके, राउटर्स, राउटर लुकअप इनटू लेयर थ्री, कहां पे लुकअप डाल सकता है, लेयर थ्री, और ये कैसा प्रोसेस होता है, बाय डिफॉल्ट, क्लियर है, राउटर सपोर्ट ACL, क्या सपोर्ट करता है, ACL, ACL किस लिए यूज होते हैं, फिल्टरिंग के लिए, किस लिए यूज होती है, फिल्टरिंग, डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए, राउटर ऑल्सो लुकअप इनटू लेयर फोर, किस पे डाल सकता है, लेयर फोर पे भी डाल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, कब डालेगा, जब क्या हो रही हो, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग डालेगा जब क्या हो रही हो, फिल्टरिंग, जो फिल्टरिंग, जी सर। एक और बात करते हैं, राउटर, राउटर फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर कौन सा होता है, 0/0, कौन सा होता है, 0/0/0, पहला जीरो होता है वो क्या बताता है आपको, इंटरफेस सीरीज, सीरीज नंबर, जो दूसरा जीरो होता है वो क्या बताता है आपको, हमेशा पोर्ट नंबर, कितने पोर्ट है भाई, क्लियर है, ओके। अब एक बात याद रखना, राउटर पोर्ट नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 इन वन सीरीज, फोर पोर्ट अवेलेबल, कितने पोर्ट होते हैं, फोर पोर्ट, चार पोर्ट अवेलेबल होते हैं, क्लियर है इतना, ओके सर। चलो अब दूसरी बात समझो, राउटर, अब राउटर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई, तो राउटर की इमेज दिखा दूं मैं थोड़ी सी आपको, ओके सर, देखो कुछ राउटर की पिक्चर दिखाता हूं आपको, डिवाइस पीएनजी, चलो अब ये डिवाइस पीएनजी देखने से पहले अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, हमने क्या पढ़ा था, राउटर टाइप्स, क्लियर है ना, अब उसमें मैंने बताया था एक राउटर होता है कौन सी सीरीज का, फिक्स सीरीज बताया था, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ये कैसे काम करती है फिक्स सीरीज, इन दिस सीरीज राउटर डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लॉट टू इंक्रीज इंटरफेस, बढ़िया लाइन क्या लिखी है, इन दिस सीरीज राउटर डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लॉट टू इंक्रीज इंटरफेस, इन दिस सीरीज राउटर डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लॉट टू इंक्रीज इंटरफेस, भाई गलती से आप एक ISP से कनेक्टेड थे और एक पोर्ट कहां था लैन में और एक पोर्ट कहां था वैन में, ऑर्गेनाइजेशन ने एक ISP आपको सपोर्ट, एक ISP दे रखा था, अब कुछ महीनों के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक और ISP क्या करा, कनेक्ट करवाना है, तो इस राउटर को आप कौन सी सीरीज से लाए थे, कौन सी सीरीज का राउटर ले आए थे आप, फिक्स्ड, अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्लॉट है नहीं, तो हमेशा जब भी आप राउटर परचेज करेंगे तो सीरीज जरूर देखनी है आपको, कि फ्यूचर में अगर ISP बढ़ते हैं या लैन की यूजर्स बढ़ती है कनेक्टिविटी, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इंटरफेस है वैन साइड और लैन साइड में, तो हमेशा याद रखना फिक्स सीरीज में कोई एक्स्ट्रा इंटरफेस नहीं होता है, क्लियर है, बताए, क्लियर है नईम जी, ओके सर। चलिए दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा था आपका मॉड्यूलर सीरीज, कौन सी सीरीज, मॉड्यूलर सीरीज, अब ये तो जस्ट अपोजिट है उसके, कैसे, जस्ट अपोजिट, इन दिस सीरीज राउटर है
extra slot to increase interfaces. ये इस सीरीज के जो राउटर होंगे उनपे क्या मिलेंगे आपको? एक्सेस स्लॉट. क्लियर? एक्सेस स्लॉट. चलो सपोज करो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए राउटर लिया, दो पोर्ट थे आपके पास, एक लैन था और एक क्या था? वैन. इससे आप ऑलरेडी पहले से किससे कनेक्टेड थे? आईएसपी. फ्यूचर में आपने एक आईएसपी और लेना है, तो आपके पास जो ये सीरीज का राउटर है, ये कौन सी सीरीज से डिपेंड करता है? ये कौन सी सीरीज है? मॉड्यूलर. मॉड्यूलर सीरीज के राउटर में, मॉड्यूलर सीरीज के राउटर में क्या होते हैं? फ्री स्लॉट. क्या होते हैं? फ्री स्लॉट. और जहां पे आप क्या लगाते हो अपने? एनआईसी कार्ड. क्या लगाते हो अपने? एनआईसी कार्ड. एनआईसी कार्ड का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. चलो अब दूसरी बात समझो. मैंने आपको बताया था राउटर के पोर्ट टाइप्स. कौन कौन से पोर्ट बताए थे? इनग्रेस और ईग्रेस बताया था. जी सर. एक राउटर बना लेते हैं. ये मेरा लैन पोर्ट है, ये मेरा वैन पोर्ट है, ठीक है? और इसी राउटर से मैंने एक फायरवॉल भी अटैच कर रखी. क्या लगा रखी है? फायरवॉल. क्लियर है? अब मुझे इस फायरवॉल पे मैंने क्या बनाई? फायरवॉल पे मैंने क्या बनाई है? पॉलिसी. क्या बनाई है? पॉलिसी. अब देखो, जब लैन के यूजर इधर ट्रैफिक भेजेंगे तो ये वाला पोर्ट क्या बनेगा? इनग्रेस. इनग्रेस. क्लियर है? जब राउटर इस पोर्ट से बाहर भेजेगा तो ये क्या बन जाएगा? इनग्रेस. इनग्रेस हो गया ना. चलो अब दूसरी बात समझो, जब आपको कोई रिप्लाई करेगा उधर से तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा? इनग्रेस. और जब ये पोर्ट यहां से बाहर भेजेगा लैन साइड की तरफ, ये क्या बन जाएगा? इनग्रेस. तो डिपेंड करता है फायरवॉल पे जब आप पॉलिसी बनाओ तो किस साइड की पॉलिसी बना रहे हो, लैन की या वैन की, तो देखनी पड़ेगी. क्लियर है? चलो अब एक और बात याद करनी. मैंने राउटर पे आपको फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर बताया था. कौन सा वाला? 0/0/0. हाँ, ये पोर्ट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट नेटवर्क इंजीनियर इंस्टॉल iOS. क्या इंस्टॉल करता है? iOS. जैसे विंडो डालते हो सेम वैसे ये पोर्ट क्या करता है? हेल्प iOS डालते हो. क्लियर है? चल अब राउटर कैसे लुकअप, राउटर कैसे देखोगे कि कितने टाइप के राउटर होते हैं, कौन सा फिक्स है, कौन सा मॉडल है? तो मेरे पास कुछ PNG फाइल्स है ना, तो मैं एक फाइल दिखाता हूँ आपको. सबसे पहले ये सीरीज दिखा सकता हूँ आपको. सबसे पहले ये वाली सीरीज, ये देखो आपको राउटर दिख रहा है यहाँ पे. अब देखो इस राउटर पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे किस पोर्ट पे क्या लगता है. जैसे स्विच पे दिखाया था, याद है आपको? स्विच पे भी दिखाया था मैंने. जी सर. स्विच पे सारे पोर्ट्स दिखाए थे, कौन कौन से पोर्ट होते हैं. राउटर पे भी सेम वैसे ही करूंगा, बस मैं इमेजेस डाल रहा हूँ कौन कौन से राउटर आपको शो करने. इनमें से कुछ सीरीज के राउटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं प्लग इन ऑलरेडी. देखें आप एक एक करके. अच्छा ओके सर, बात समझो. ये जो है आपका सिस्को का राउटर है. किसका राउटर है? सिस्को.
सिस्को का राउटर है, सिस्को का। ये कौन सी सीरीज का राउटर है? ये है 1800 1800 सीरीज का राउटर। कौन सी सीरीज का राउटर? 1800। अब 1800 सीरीज का जो राउटर है कौन सी सीरीज का है? फिक्स्ड। कौन सी है? फिक्स सीरीज का राउटर है। देखो कैसे पता चला, जो राउटर के पास ये जो मैंने ब्लू मार्क करा, ये इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? इंडिकेटर्स। भाई डिवाइस ऑन है ऑफ है, इंटरफेस ऑन है ऑफ है, या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ये इंडिकेटर्स बताते हैं। ये जो बॉक्स बना रहा हूँ छोटा वाला, जी सर, ये वाला, ये बॉक्स होता है आपका फ्लैश मेमोरी का। किसका होता है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे कंप्यूटर में क्या होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, बताइए। यूएसबी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, सेम ऐसी राउटर में क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। यहाँ पे क्या इंस्टॉल कराते हैं? iOS। और क्या इंस्टॉल होता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या होती है यहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर आप डिवाइस पे कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे वो भी इंस्टॉल। इसको बोलते हैं फ्लैश स्लॉट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश स्लॉट। फ्लैश स्लॉट। चलो अब देखो ये सीरियल में सर किस तरह का है वो फ्लैश स्लॉट आपके इस राउटर में? हाँ और दिखाऊंगा अभी, पिक्चर्स और दिखाऊंगा अभी, सिर्फ बताया आइडेंटिकल करना। अब ये वाला जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या अटैच होती है? आपकी पावर केबल, पावर करने के लिए, सप्लाई देने के लिए। ये कौन सा बटन होता है? ये पावर ऑन ऑफ स्विच होता है। क्या होता है? पावर ऑन ऑफ बटन, आप बोल भी सकते हो पावर ऑन ऑफ बटन होता है। क्या स्विच पे होता है ये वाला बटन? नहीं सर, स्विच पे नहीं होता है। क्लियर है ना? अब देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाले पोर्ट, ये दो पोर्ट दिख रहे हैं, ये वाले, ये दो पोर्ट है आपके गिग पोर्ट। कौन से? गिग। गिग का मतलब कितनी स्पीड होगी इनकी? 1 GB। और ये वाले जो दिख रहे हैं पोर्ट, ये कौन से वाले हैं? फास्ट। ये कौन से? फास्ट वाले, 100 MB। और ये दो जो छोटे बॉक्स कर रहा हूं मैं, ये वाला, इसे बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। अब देखो ये वाला पोर्ट जो पहला पोर्ट है, और ये वाला, ये बोलते हैं कंसोल प्लस, कौन सा होता है? ऑक्सिलरी पोर्ट। कौन सा होता है? कंसोल प्लस ऑक्सिलरी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डिवाइस सेम है। ये कौन सी सीरीज का राउटर है आपका? सिस्को 1841। कौन सा है? 1841। वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्लॉट? अब देखो इसमें सिस्को की कौन सी सीरीज का राउटर है? 1841 का। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो ऊपर वाला राउटर था, ये वाला, ये 1800 सीरीज वाला, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्लॉट मिल रहा है? जी सर। नहीं है कोई एक्स्ट्रा स्लॉट? नहीं है। लेकिन 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 अब यहाँ 1841 में देखो, ये एक स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 0। कितने स्लॉट मिल गए आपको? 2 फ्री स्लॉट मिल गए, मिल गए। और ये वाला जो स्लॉट दिखा रहा हूँ, ये वाला जो दिख रहा है ब्लू मार्क, इसे बोलते हैं अगेन कौन सा? फ्लैश स्लॉट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश स्लॉट। यहाँ पे क्या इंस्टॉल होती है? फ्लैश मेमोरी। क्या इंस्टॉल होती है? और ये वाला पोर्ट कौन सा होता है? USB। ये कौन सा बटन होता है? और ऑन ऑफ। ऑन ऑफ। ये क्या होता है? पावर के। ठीक है भाई। अब देखो ये वाले जो येलो कलर के दिख रहे हैं पोर्ट, ये कौन से पोर्ट है आपके? 1 GB के। और ये वाले जो दो पोर्ट दिख रहे हैं कौन से? कंसोल प्लस ऑक्सिलरी पोर्ट। ठीक है, कंसोल प्लस ऑक्सिलरी। चलो और देखो, और देखो वहां पे दो स्लॉट मिले थे ना 1841 में। अब यहाँ पे देखो ये जो राउटर है, ये वाला, इसे बोलते हैं 2900 2900 सीरीज का राउटर है। कौन सा है? 2900 सीरीज। चलो अब यहाँ पे देखो ये कौन सा बटन है? पावर ऑन। ऑन ऑफ। और ये कौन सा है? पावर का। दिख रहा है आपको? अब देखो 1 2 3 4 कितने स्लॉट है? 4 एक्स्ट्रा स्लॉट है, यानी 4 इंटरफेसेस लगा सकते हो। यस और नो? चलो अब देखो ये जो दो पोर्ट है, ये कौन से? यूएसबी। ये वाले दो पोर्ट कौन से? कंसोल प्लस ऑक्सिलरी।
और ये जो दो पोर्ट दिख रहे हैं ये वाले, ये कौन से पोर्ट है? चलो अब देखो, ये तो थे राउटर्स, ये तो क्या थे? राउटर। ये एक और राउटर है आपके पास, ये वाला दिख रहा है आपको, 3211 सीरीज का राउटर है ये। देखो मैं यहाँ पे इसकी पूरी इमेज दिखा सकता हूँ, ये 2511 का सीरीज का है। कौन सी सीरीज का है? 2511 सीरीज वाला आपके पास है। इसको बोलते हैं टर्मिनल सर्वर। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल, टर्मिनल सर्वर। ये रैक में लगा होता है, किसमें ऐड होता है? आपके रैक में। क्लियर है? अब इसमें देखो कौन सा पोर्ट है। ये वाले जो पोर्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये एसिंक कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है? एसिंक। ये कौन सी केबल कनेक्ट करते हैं अपने पास? ऑक्टा केबल। कौन सी केबल? ऑक्टा केबल। ऑक्टोपस का नाम सुना? ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस होता है जिसके 8 पैर होते हैं, सुना है नाम ऐसा कुछ? 8 पैर वाला ऑक्टोपस होता है आपके पास, वैसी एक ऑक्टा केबल होती है जिसके पास कितनी पिंस होती है? 8 पिंस। क्या होती है? 8 पिंस। तो इस ऑक्टा केबल से आप अपने कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो? 8 डिवाइसेस। क्लियर है? और उन सभी को इस टर्मिनल सर्वर के थ्रू क्या कर सकते हो? रिमोटली एक्सेस। क्या कर सकते हो? रिमोटली एक्सेस। क्लियर है इतना? एक दो, ये दोनों पोर्ट कौन से हैं? सीरियल। कौन से? सीरियल। ये दोनों पोर्ट कौन से है? कंसोल प्लस ऑक्सलेट। ये ऑन ऑफ बटन, ये पावर पे। क्लियर है? अब देखो बात समझो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑक्टा केबल दिखा देता हूँ। दिख रही है केबल? ये होती है ऑक्टा केबल। देखिए आप, दिख रही है यहाँ पे इमेजेस में? जी सर। ये देखिए यहाँ पर दिख रही है ना, एक एसिंक कनेक्टर लिखा भी है यहाँ पे भाई, एसिंक 8 पिन कनेक्टर दिख रहा है ना? जी सर। दिख रहा है ना? एसिंक 8 पिन प्रोवाइड करता है ये आपको। और इसके इस कनेक्टर के अंदर कितनी पिन होती है? 68 पिन। कितनी होती है? 68। और आप ऐसे लगाते हो डिवाइसेस को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये रैक्स को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या कर रखा है? यहाँ पे पहले ऐसे था, अब इन सभी डिवाइसेस को मैंने वायरिंग कर रखी है। अगर आपके पास रैक्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो टर्मिनल सर्वर के थ्रू क्या कर सकते हो? उसको एक्सेस। कुछ ऑक्टा केबल का कुछ मैप ऐसा होता है, 68 पिन फ्रंट पे होती है और बाकी साइड में कितनी होती है? 8 पिन। क्लियर है? 8-8 पिन सभी डिवाइसेस को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ऑक्टा केबल यूज करते हैं आप। अब चलो दूसरी बात करते हैं राउटर के डिजाइन पे। राउटर क्लियर है ना कैसे दिखता है कैसे नहीं? राउटर की फ्लैश मेमोरी भी देख लो आप, फ्लैश मेमोरी। कुछ इस तरीके की फ्लैश मेमोरी होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये डिवाइस में लगा रखी है यहाँ पे फ्रंट पे, दिख रहा है ये डिवाइस पे, ये वाली मेमोरीज होती है ये सारी, ये फ्लैश मेमोरी होती है छोटी सी, ये राउटर में लगती है। क्लियर है? स्विच के अंदर इनबिल्ट होती है। स्विच के अंदर कैसी होती है? इनबिल्ट। दिख रहा है ना यहाँ पे, इसने लगा रखी है फ्लैश मेमोरी। स्विच के अंदर इनबिल्ट मिलती है, कुछ राउटर्स के अंदर भी इनबिल्ट होती है। चलो अब आप बात समझो दूसरी, जैसे स्विच का डेटा फ्लो सीखा था वैसे राउटर पे काम करने वाले। तो भाई मैंने क्या बोला, एक राउटर लगा लिया। क्लियर है? राउटर का एक इंटरफेस किससे कनेक्ट कर दिया? इस पीसी से। एक इंटरफेस किससे कनेक्ट कर दिया? इस पीसी से। राउटर का फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर कौन सा होता है? 0/0, 0/1। क्लियर है? अब ये कौन है? ये है बॉब। ये कौन है? बॉब। और यहाँ पे कौन है? सैम। क्लियर है? अब बॉब क्या बोल रहा है? बॉब क्या बोल रहा है? डियर ब्रदर, मैं कौन से ग्रुप का मेंबर हूँ? ग्रुप ए का। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप बी का। अब जो ग्रुप ए है उसका नंबर क्या है? 1.0। और जो ग्रुप है बी उसका नंबर क्या है? 2.0। तो बॉब को जो, बॉब को जो आईपी मिली है वो कौन सी मिली है? 1.1। और बॉब का जो मैक एड्रेस है वो क्या है? 0A। क्या है? 0A। सैम को कौन से ग्रुप से आईपी मिलेगी? 2.0 वाले से। तो इसके क्या आईपी है? सपोज कर लो आर को, बॉब की आईपी हम कर देते हैं 1.2। कितनी कर देते हैं? 1.2। और इसका मैक डाल दो 0A। और सैम की क्या रख दिया आईपी?
2.2 मैं क्या रख दिया 0, क्लियर है। अब देखो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर है डिफरेंट है, बताएं थोड़ा तेज बोले, डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। अगर मैंने पूछा बॉब को सैम से बात करनी, क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? थ्रू राउटर सर, हाँ जी थ्रू राउटर के थ्रू होगा सर, राउटर के थ्रू होगा, लेकिन हमें वही प्रोसेस सीखना है कैसे पूरा स्लो, बिल्कुल। अब देखो जैसे मैं बोलूंगा कि पीसी बॉब वांट टू कम्युनिकेट विद सैम, सो बॉब देखेगा पहले क्या, बॉब चेक करेगा पहला टास्क क्या चेक करेगा, चेक करेगा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की जो आईपी है उसके ऊपर दो कंडीशन लगाएगा आईपी पे, वो क्या देखेगा सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क। अब कौन सी आईपी बताना आप, डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट है क्योंकि ये तो 1.0 ग्रुप का है और ये 2.0 का है। अब देखो जैसी डिफरेंट ग्रुप की होगी उसको क्या चाहिए होगी, गेटवे आईपी, क्या चाहिए होगी गेटवे आईपी, गेटवे आईपी एड्रेस ये चाहिए, और जैसी सेम नेटवर्क की होगी गेटवे आईपी नॉट रिक्वायर्ड, क्या नहीं होगी गेटवे आईपी रिक्वायर्ड, लेकिन जब डिफरेंट होगे तो गेटवे आईपी क्या करेगा रिक्वायर्ड करेगा। अब एक्चुअली गेटवे क्या होता है पहले ये भी समझना है, गेटवे क्या होता है, गेटवे को बोलते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लास्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम नेटवर्क, कि भाई एक ऐसा पॉइंट जहां से हम दूसरे नेटवर्क में जा सकते हैं। अगर बॉब को सैम से बात करनी है तो बॉब के लिए कौन सा ऐसा एग्जिट पॉइंट है जो निकलेगा और सैम के नेटवर्क में जाएगा, कौन सा है? जब बॉब डेटा भेजेगा तो राउटर पे आएगा, तो राउटर का कौन सा इंटरफेस होगा एग्जिट पॉइंट, 0/0 या 0/1 कौन सा होगा, 0/0 0/0 क्लियर है। तो हमारे लिए गेटवे कौन बनेगा, ये वाला इंटरफेस, ये क्या बनेगा हमारे लिए गेटवे। अब गेटवे तो बन गया, अब मुझे इसे क्या साइन करनी पड़ेगी आईपी, तो अब मैं इसको आईपी देता हूँ, मैंने इसको आईपी दे दी 1.1 और इसका मैक क्या कर दिया 0, इसका मैक क्या रख दिया मैंने A1, क्या रख दिया A1। अब जब सैम को बॉब से बात करनी है तो उसके लिए गेटवे कौन होगा, 0/1 हाँ जी 0/1, तो ये किसके लिए गेटवे बनेगा सैम के लिए, तो इसको क्या देनी पड़ेगी आईपी 2.1 उसी के नेटवर्क की, और मैक क्या बन जाएगा इसका B1, क्या बना देंगे मैक B1। तो गेटवे में कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, गेटवे क्या क्या होता है लास्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम नेटवर्क, क्लियर है ना, क्लियर है। उसी जो पॉइंट होगा उसी की क्या देखोगे आप आईपी, उसी की क्या देखोगे आईपी, पॉइंट की जगह आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसे इंटरफेस, क्या बोल सकते हो इंटरफेस। करें आगे, आगे प्रोसेस करें, चलो देखो अब ये डायग्राम था हमारा, गेटवे कौन है बताया था ना, गेटवे कौन है 0/0 क्या है इसके लिए बॉब के लिए गेटवे, और इसके आईपी क्या है 1.1, मैक क्या है इसका A1, ये सैम के लिए क्या बना हुआ है गेटवे, इसकी आईपी क्या है 2.1, और मैक क्या है इसका B1, मैक क्या है इसका B1। चलो अब देखो बॉब ने क्या देखा कि गेटवे कौन है मेरा 1.1। अब देखो बॉब पहला प्रोसेस करेगा, फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट प्रोसेस कब होता है, इफ गेटवे आईपी अवेलेबल, कब करता है ये वाला प्रोसेस भाई, कि गेटवे आईपी किस पर अवेलेबल होगी जब बॉब पे, तब करेगा ये पहला प्रोसेस, याद रखना क्लियर है। अगर गेटवे आईपी अवेलेबल नहीं होगी तो बॉब क्या करेगा उस पैकेट को हर बार यहाँ पे अपने पास से क्या कर देगा ड्रॉप, क्या कर देगा ड्रॉप। तो पहले प्रोसेस में क्या चेक करेगा PC1 चेक, PC1 कौन है भाई बॉब है, और PC2 कौन है सैम है, PC1 चेक कौन सी टेबल आप टेबल, क्लियर ओके सर।
इफ एंट्री फाउंड देन कम्युनिकेट, क्या कर लेगा? इफ एंट्री फाउंड देन कम्युनिकेट, इफ एंट्री नॉट फाउंड देन फॉलो आप प्रोसेस, क्या फॉलो करेगा? आप प्रोसेस, आप प्रोसेस। तो भाई देखो, अब बॉब तो एक नया यूजर था, इसकी आप टेबल भी होगी, ये इसके आप टेबल है। इसकी आप टेबल में आईपी की इंफॉर्मेशन होगी, मैक होगा और क्या होगा, टाइम होगा। तो अभी तो कोई एंट्री है ही नहीं, जब एंट्री नहीं होगी तो बॉब क्या बोलेगा, मैं पहला मैसेज कौन सा भेज रहा हूँ, आर रिक्वेस्ट, और ये कैसा होगा मैसेज, ब्रॉडकास्ट। ये कैसा होगा? ब्रॉडकास्ट। स्विच पे बना के दिखाया था ना आप रिक्वेस्ट। तो जब जब बॉब भेजेगा, जब बॉब भेजेगा आप रिक्वेस्ट, तो उसमें क्या बोलेगा कि भाई लेयर टू पे सोर्स मैक कौन है, जीरो ए, डेस्टिनेशन मैक कौन है, एफ एफ एफ, ये लगाएगा। फिर क्या बताएगा, सेंडर आईपी कौन है, 1.1 सॉरी 1.2, सेंडर का मैक क्या है, जीरो ए, ले रहे हैं। डेस्टिनेशन की आईपी क्या है, 1.1, डेस्टिनेशन का मैक क्या है, 0.0.0। ये कौन लगा के भेज रहा है, ये कौन बना के भेज रहा है, आर्प। ये आर्प रिक्वेस्ट कौन लगा के भेज रहा है, बॉब बना के भेज रहा है। अब बॉब क्यों भेज रहा है, क्योंकि बॉब को गेटवे आईपी तो पता है 1.1 दे दिया, लेकिन गेटवे का मैक टेबल में नहीं है। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज राउटर को रिसीव हुई, क्लियर है, राउटर ने रिसीव करी। अब राउटर ने क्या देखा, राउटर ने क्या बोला, राउटर ने बोला कि ये तो मेरे इंटरफेस की आईपी है 1.1, तो राउटर ने क्या दे दिया इसका, आईपी आर्प रिप्लाई, क्या दे दिया इसका, आर्प रिप्लाई। भाई मुझे मेरी आईपी मिल गई, आप रिप्लाई मेरी आईपी थी। जब आर्प रिप्लाई दिया तो बॉब ने इसकी क्या कर बना ली यहाँ पे एंट्री, आईपी क्या है गेटवे की 1.1, उसका मैक क्या है A1 और टाइम स्टार्ट कर दिया। सेम भी करेगा, यस और नो, सेम कौन करेगा, सेम भी करेगा। सेम की आप टेबल में किसकी एंट्री होगी बताइए, बॉब की। आप टेबल में एंट्री सेम की किसकी होगी, आईपी एंड मैक एंड टाइम। नहीं नहीं, एंट्री किसकी होगी, बॉब की या गेटवे की या तुसे? गेटवे की सर, पहले पहले तो गेटवे की दोगे ना यार, बिना गेटवे के तो बात ही नहीं करोगे। तो गेटवे की एंट्री होगी 2.1, मैक क्या होगा, B1 और टाइम चल रहा होगा, यस और नो। चलो yes, sir. अब इन दोनों के पास गेटवे की एंट्री है तभी पैकेट जनरेट होगा। अगर एंट्री नहीं है तो क्या कर देंगे हर बार, ड्रॉप। अगर एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे, ड्रॉप। पहले एंट्री जरूरी होती है, क्लियर है। अब दूसरी बात, फर्स्ट प्रोसेस क्लियर है, अब सेकंड प्रोसेस। राउटर के इस इंटरफेस की आईपी क्या थी, 1.1, मैक क्या था, A1। इस इंटरफेस की आईपी क्या थी, 2.1, मैक क्या था, B2. अब राउटर क्या बोल रहा है, राउटर क्या बोल रहा है, राउटर क्या मेंटेन करता है, मैक आर टेबल, आप टेबल। आप टेबल के लिए दो लाइन लिखता है, बाय डिफॉल्ट राउटर मेंटेन, स्विच मेंटेन करता है आप टेबल, नहीं मतलब तो लेयर टू डिवाइस है। दूसरी बात, बाय डिफॉल्ट राउटर ऑलरेडी हैव ऑन इंटरफेस एंट्री इनसाइड आप टेबल। क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास अपने इंटरफेस की एंट्री पहले से ही होती है, यस और नो, क्लियर है कि मेरे इंटरफेस कौन कौन से, 0x0 और 0x1 की एंट्री किसमें होगी, पहले से मेरे पास अपनी आप टेबल में। तीसरी बात, फॉर ऑन इंटरफेस आर एंट्री टाइम इनफिनाइट, क्या रखता है हमेशा इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब कभी फ्लश नहीं होगी। वैसे आप टेबल का टाइम कितना होता है, 4 hours, और मैक टेबल का टाइम कितना होता है, 300 seconds। तो भाई देखो, अब इस राउटर पे आप टेबल होगी तो इसकी आप टेबल बना रहा हूँ राउटर पे,
इस राउटर की आप टेबल में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, आईपी, मैक और क्या होगा टाइम। तो राउटर के पास किसकी एंट्री पहले से ही पड़ी होगी, अपने गेटवे की। तो उसके पास अपने अपने गेटवे की एंट्री, पहली एंट्री 1.1, उसका मैक क्या है A1, और उसका टाइम क्या कर दिया हाइफन, क्या लगा दिया उसके टाइम पे 1.1, मैक क्या है उसका A1, टाइम क्या कर दिया हाइफन। हाइफन का मतलब ये एंट्री कभी फ्लश होगी नहीं। दूसरी एंट्री भी होगी 2.1, उसका मैक क्या होगा B1, और क्या लगा रखा होगा हाइफन। अब जब 1.2 ने आप रिक्वेस्ट भेजी होगी तो राउटर ने रिप्लाई दिया होगा, सैम ने रिक्वेस्ट भेजी होगी तो राउटर ने रिप्लाई, तो इन दोनों की भी एंट्री होगी 1.2 की 0A, लेकिन इनके पे क्या चलाएगा टाइमर, 2.2 0B और क्या चला देगा टाइमर, क्या चला देगा टाइमर। क्लियर रहेगा इतना? ओके सर। इतना क्लियर रहेगा नईम जी? ओके सर। बताए जी सर, क्लियर है? ये जरूरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप टेबल का ही प्रोसेस मेन होता है ट्रबल शूटिंग में। तो ये किसकी आप टेबल दिखाई है मैंने अभी तक आपको, राउटर की। पहले उससे पहले किसी दिखाई थी, दोनों पीसी की, ठीक है। अब राउटर की आप टेबल में किस किस की एंट्री है देख के बताना। राउटर में सर बॉब की और सैम की सर, राउटर का इंटरफेस का सर और गेटवे का, अपने इंटरफेसेस की एंट्री है प्लस बॉब और सैम के, क्योंकि उन्होंने क्या भेजा था रिक्वेस्ट और राउटर ने क्या भेजा था रिप्लाई। सैम ने भी क्या भेजा था रिक्वेस्ट और राउटर ने क्या भेजा था रिप्लाई। तो उसके आप टेबल बना लिया एंट्री, यस और नो? चल यस सर। अब दूसरी बात, ये तो क्या है इसके आईपी 1.1 जी सर, मैक क्या है A1 जी सर, आईपी क्या है 2.1, मैक क्या है इसका B1। अब राउटर पे एक और टेबल मेंटेन होते है, कौन सी वाली? कौन सी टेबल मेंटेन करते हो? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, इन दिस टेबल डिवाइस इंस्टॉल नेटवर्क इंफॉर्मेशन, क्या किसकी इंफॉर्मेशन होती है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन यानी ग्रुप, बोलो ग्रुप नंबर्स की, क्लियर है? बाय डिफॉल्ट राउटर मेंटेन, कौन सी टेबल मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल, क्लियर है? बाय डिफॉल्ट राउटर already store directly connected network interface information inside routing table। क्या बोला है, पढ़िए लाइन को। By default ports already default router already store directly connected, network information inside routing। क्लियर है? तो पहले से होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी, तो ओके राउटर ऑल्सो स्टोर इनडायरेक्टली connected network information inside routing table but with the help of routing प्रोटोकॉल्स। किसकी हेल्प से करता है स्टोर इनडायरेक्टली वालों की? राउटिंग। क्लियर है? तो राउटिंग टेबल देखना चाहते हैं कैसे बनती है, तो अब राउटिंग टेबल बना के दिखाते हैं, ठीक है? एक एक टेबल बताऊंगा तभी पैकेट फ्लो सिखा पाऊंगा, है ना जी सर।
कौन सी टेबल बनानी हमें? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल बनाऊंगा, लेकिन राउटिंग टेबल में एक और इन्फॉर्मेशन होती है, क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलता है आपको? राउटिंग कोड्स। यहाँ पे क्या होती है? नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होती है? इंटरफेस डिटेल्स। क्लियर है अभी के लिए इतना? अब देखो राउटिंग कोड अगर मैं लिख रहा हूँ सी, सी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड। सी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड। अब राउटर के किस इंटरफेस से कौन कौन से नेट ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है बताना? सॉरी सर, राउटर के किस इंटरफेस से ग्रुप्स कनेक्टेड है? बॉब एंड सैम। हाँ जी, बॉब। राउटर, राउटर, राउटर कौन है इनके बारे में बताना? राउटर तो मिडिल वाला है सर, राउटर। हाँ, तो इससे कौन कौन से ग्रुप कनेक्टेड है राउटर से? ग्रुप, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप ए का नंबर क्या है? 1.0। और किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? 2.0। राउटर के किस इंटरफेस? जीरो वाले पे सर, सॉरी, 0/0 से। एक और सी लिखो, कौन से इंटरफेस कनेक्टेड है ग्रुप बी से? 2.0 कनेक्टेड है, 0/1 से। और जब लिखा है एल, एल का मतलब होता है लोकल इंटरफेस आईपी। राउटर के किस इंटरफेस पे आईपी है? 1.1 है, वो कौन से इंटरफेस पे? 0/0 पे। एक और आईपी है 2.1, वो किस पे? 0/0/1 पे। ये क्या बन गई? राउटिंग टेबल। क्या बोल रहे हैं? राउटिंग टेबल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? राउटिंग एल का मतलब होता है लोकल इंटरफेस। एल का क्या मतलब होता है? लोकल। राउटर के खुद के कौन कौन से इंटरफेस है 0/0 और 0/1, उनकी आईपी, उनकी आईपी डिटेल। ठीक है, क्या लिखते हैं? उनकी आईपी। क्लियर है इतना? बताएं जी सर, रिवीजन करेंगे। अब देखो ये डायग्राम हमने बनाया था, अब इसमें डेटा फ्लो करके दिखाऊंगा, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार गलत हो गया सर, रिवीजन ही है। ठीक है, अब राउटर पे कौन कौन सी टेबल थी? पहली थी आप टेबल। आप टेबल में आईपी होगी, मैक होगा और टाइम होगा, ये होगी ना इन्फॉर्मेशन। तो देखो आईपी तो उसकी अपनी, पहले खुद की अपनी एंट्री होती है 1.1, उसका मैक है A1। टाइम क्या होता है? इन्फिनाइट, फ्लश नहीं हो सकती। एक 2.1 की होगी, उसका मैक क्या होगा? B1। टाइम क्या होगा? इन्फिनाइट, फ्लश नहीं हो सकती। जब बॉब ने रिक्वेस्ट भेजी होगी गेटवे के मैक के लिए, तो बॉब की एंट्री कहाँ बन गई होगी? राउटर पे 1.20A, उसका टाइम चलाया होगा 1। जब सैम ने भेजा होगी रिक्वेस्ट तो 0B आ गई होगी, उसका भी टाइम चल रहा होगा। तो ये तो टेबल किसकी बना दी आपने? आप राउटर किस पे बना दी? राउटर पे। अब राउटर पे एक और टेबल होती है, कौन सी? राउटिंग, राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में कौन कौन से ग्रुप की इंफॉर्मेशन होगी? सी से। 1.0 ग्रुप होगा, वो किससे कनेक्टेड है? 0/0 से। एक और सी होगा 2.0 कनेक्टेड है किससे? 0/1 से। भैया देखो ये इंटरफेस इस ग्रुप से कनेक्टेड है, ये वाला इंटरफेस इस ग्रुप से, ग्रुप से लिखा है। ठीक है, और एल का मतलब कि राउटर के किस किस इंटरफेस पे आईपी है? एक इस इंटरफेस पे और एक इस पे, उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन होगी। 1.1 कनेक्टेड है किससे? 0/0 से। 2.1 कनेक्टेड है किससे? 0.1 से। 0/1 से। 0/1 से। तो ये कौन सी टेबल बन गई? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, क्लियर है? अब देखो ओके, बॉब के पास भी तो टेबल थी, कौन सी वाली? आर्प आप टेबल, उसमें आईपी भी है, मैक भी और टाइम भी। तो जब इसने, बॉब ने रिक्वेस्ट भेजी थी गेटवे के लिए, तो किसकी एंट्री बनाई थी अपने पास? 1.1 थी, उसका मैक क्या था? A1 और टाइम चला दिया। जब सैम ने रिक्वेस्ट भेजी थी अपने गेटवे के लिए, तो उसने भी किसमें एंट्री बनाई थी? आप टेबल, आईपी, मैक और टाइम। 2.1, उसका मैक क्या है? B1 और टाइम चला दिया। अब देखो बात समझो, जब भी बॉब को सैम से बात करनी है, तो बॉब और सैम
एक ही ग्रुप में है या डिफरेंट ग्रुप में, पहले बताओ। डिफरेंट ग्रुप में सर। डिफरेंट ग्रुप, जब भी डिफरेंट ग्रुप को बात करनी होती है किसकी रिक्वायरमेंट होती है? राउटर की। गेटवे आई डी किसकी होती है? गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैम को भी किसकी रिक्वायर्ड होगी? गेटवे की। तो बॉब का गेटवे कौन है? 1.1। उसका मैक क्या है? A1। सैम का कौन है? 2.1। उसका मैक क्या है? भाई जब सैम भेजेगा डेटा तो यहीं से निकलेगा ना यार बाहर, ये वाले पॉइंट से। जब बॉब भेजेगा डेटा तो इस वाले पॉइंट से, तो दोनों के यही इंटरफेस क्या बन गए? गेटवे। क्या बन गए? गेटवे। अब बॉब को बात करनी है किससे? सैम से। बॉब बोल रहा है भाई मेरे को जब भी पैकेट बनाना होगा तो जैसे मैं लिखूंगा पिंग, किसको पिंग कर रहा हूँ? 2.2 को। तो मैं देखूंगा 2.2 तो एक ही ग्रुप का है या डिफरेंट ग्रुप का है? डिफरेंट ग्रुप का है। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी? गेटवे आईपी। मेरे पास गेटवे आईपी है। अब ये क्या देखेगा? गेटवे आईपी की आर टेबल में एंट्री है? यस, हैगी एंट्री। मिल गई ना एंट्री, मिल गई। तो अब ये क्या बोल रहा है? मैं क्या जनरेट कर रहा हूं? पहले लेयर टू। भाई देखो पिंग लिखोगे, पिंग लिखते ही कौन सा मैसेज बन जाएगा? इको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज बनाओगे? इको। अब इसमें लेयर टू लगाओगे। क्या लगाओगे? लेयर टू। तो सोर्स कौन है जो भेज रहा है डेटा? बॉब। उसका मैक क्या है? 0A। डेस्टिनेशन मैक। अब हमेशा रखना जब भी डिफरेंट नेटवर्क में बात करने की कोशिश करते हो तो लेयर टू पे डेस्टिनेशन मैक गेटवे का होता है। किसका होता है? गेटवे का। तो गेटवे कौन है मेरे लिए? A1। यानी मेरा कौन सा इंटरफेस? राउटर का, 0/0। और लेयर थ्री पे क्या लगाएगा? सोर्स आईपी किसकी लगाएगा? 1.1 और 1.2। सैम की आईपी लगाएगा नहीं, अपनी लगाएगा 1.2। डेस्टिनेशन में क्या होगी? 2.2, जिससे बात करनी है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करी? लेयर टू, लेयर थ्री। लेयर टू पे डेस्टिनेशन मैक किसका लगाया? डेस्टिनेशन मैक सर आपका A.1 राउटर का है। किसका? गेटवे का, राउटर का। राउटर के इंटरफेस का। जब बॉब ने ये डेटा किसको दिया? राउटर को। राउटर ने पहला लुकअप डाला। राउटर ने बोला भाई मैं लेयर थ्री पे गया और डेस्टिनेशन आईपी किसकी है? सेम नेटवर्क है डिफरेंट? डिफरेंट है सर। जैसे ही डिफरेंट आता है तो राउटर पहला लुकअप किसमें डालता है? किसमें डाला? राउटिंग टेबल। अब उसने देखा 2.1 वाला नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, देख के होता ना राउटिंग टेबल में। जीरो सर, 0.1 0/0/1 से सर। 0/1 से, बहुत ही बढ़िया। ये वाला मिल गया। यानी जब भी डेटा को भेजना है तो मैं इस इंटरफेस से बाहर भेजूंगा। अब जब भी मुझे पता चला कि मेरे पास एंट्री है, देखो अगर एंट्री है तो क्या कर देगा? सेंड। अगर एंट्री नहीं है तो क्या कर देगा? ड्रॉ। क्या कर देगा? ड्रॉ। अब राउटर जब इस डेटा को, ये वाले डेटा को कहां भेजेगा? इस ग्रुप नंबर 2.0 में। तो यहाँ पे राउटर बीच में बैठ के क्या कर देगा? क्या मार देगा? और वो कौन सी लेयर पे प्रॉक्सी करता है? लेयर टू पे। अब देखो राउटर ने प्रॉक्सी में क्या कहा कि भाई जो आप इको रिक्वेस्ट भेज रहे थे, कौन सा मैसेज भेज रहे थे? इको रिक्वेस्ट, ये तो था ना मैसेज। अब उसमें इको रिक्वेस्ट में आपने कौन सी इंफॉर्मेशन लगाई थी? लेयर टू की। किसकी लगाई थी? लेयर टू। लेयर टू में सोर्स मैक किसका था? बॉब का। यस नो? 0 है, बॉब का था ना। अब राउटर किस इंटरफेस से भेज रहा है इस डेटा को दूसरे नेटवर्क में? 0/1। उसका मैक क्या है? उसको रखेगा सोर्स में। क्या है मैक? मैक है सर B1। ये रखना चाहिए, क्लियर है। अब डेस्टिनेशन मैक किसका रखेगा? राउटर। किसको भेज रहे हो आप? 0B को। 0/1 भेज रहे हो? 0B को। अब सेकंड लुकअप किसमें डाला उसने? आप टेबल। क्या 2.2 का एड्रेस है मेरे पास? मैक एड्रेस आप टेबल में। जी सर। उसका मैक क्या लिख दिया? 0B। और लेयर थ्री पे क्या लगा दिया? सेम डिटेल। सोर्स कौन है जो पिंग कर रहा है? 1.2। डेस्टिनेशन कौन है जिसको पिंग कर रहा है? 2.2 को। अब जब ये सैम को रिसीव होगा, सैम क्या चेक करेगा? भाई लेयर थ्री पे कौन आ रहा है? लेयर थ्री पे डेस्टिनेशन कौन है इसका? 2.2। ये तो मैं ही हूँ। अच्छा लेयर टू पे कौन है? डेस्टिनेशन मैं ही हूँ, लेकिन लेयर टू पे सोर्स कौन है? B1। ये कौन है मेरा? ये कौन है? सोर्स कौन है? B1। और सैम के लिए कौन है? ये गेटवे।
तो सैम ने क्या बोला, ये तो मेरा खुद का गेटवे है, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट। अब जब बॉब ने भेजा तो सोर्स मैक चेंज हुआ, डेस्टिनेशन चेंज हुआ, लेयर टू पे राउटर ने क्या मारी, प्रॉक्सी। अब राउटर ने क्या बोला, भाई अब हम बात करेंगे किसके लिए, सैम क्या भेज रहा है इसको, क्या भेज रहा है, इको रिप्लाई। क्या भेज रहा है भाई, इको, इको रिप्लाई। अब इको रिप्लाई के अंदर लेयर टू पे क्या लगाएगा, सोर्स मैक क्या लगाएगा, कौन रिप्लाई कर रहा है, बॉब या सैम, सैम, सैम। तो सोर्स मैक सैम का क्या रखूं, जीरो बी, और डेस्टिनेशन मैक क्या रखूंगा, किसको दे रहा है रिप्लाई, गेटवे को, तो गेटवे का मैक क्या है, बी वन। और लेयर थ्री पे क्या रखेगा, सोर्स आईपी क्या रखेगा, 2.2, डेस्टिनेशन क्या रखेगा, 1.2। अब ये डेटा राउटर के किस इंटरफेस पे आया, 0/1 पे। जैसे ही 0/1 पे आया, पहला लुकअप कहां डाला उसने, किसमें डाला, राउटिंग टेबल। राउटर ने देखा पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन कौन सा नेटवर्क है, 1.2। राउटिंग टेबल में 1. का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, 1.1 वाला नेटवर्क, बॉब से। हाँ जी, बॉब से कनेक्टेड है 1.2। 1.2 का नेटवर्क ग्रुप कौन से नेटवर्क, कौन से ग्रुप का है, 1.0 के ग्रुप का, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है राउटर के, 0/0 से, 0/0 से। क्लियर है, आराम से समझो, डरो मत। अब जब राउटर इधर से इसको भेजेगा 0/0 से, तो राउटर दोबारा क्या मारेगा यहाँ पे बैठ के, प्रॉक्सी, और कौन सी लेयर पे करेगा, लेयर टू पे। क्योंकि जब सैम ने रिप्लाई करा था तो डेस्टिनेशन कौन था, मैक, B1। तो भाई जब राउटर ने भेजा था तो सोर्स कौन था, B1, और डेस्टिनेशन में कौन आया, B1। ये तो एक्सेप्ट हो गया राउटर पे। अब राउटर को किधर भेजना है, बॉब की साइड। तो राउटर ने सेकंड लुकअप कहां पे डाला, आप टेबल। अब बताओ 1.2 का मैक क्या है, 1.2 का मैक 0 है। हां जी, 0 है, 0 है। जब राउटर यहां से पैकेट सैम को देगा ना, तो क्या करेगा, पैकेट के अंदर क्या चेंज करेगा, बोलेगा भाई इको रिप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है, इको रिप्लाई, उस पे लेयर 2 लगी हुई है, क्या लगी हुई है, लेयर 2। सोर्स मैक क्या रखेगा, जो इंटरफेस भेज रहा है लैन में, कौन सा है, A1। डेस्टिनेशन मैक क्या रखेगा, 0A, क्या रखेगा, 0A। और लेयर 3 पे क्या रखेगा, सोर्स आईपी क्या रखेगा, कौन भेज रहा था रिप्लाई, 2.2। डेस्टिनेशन कौन था, 1.2। तो जब बॉब को मिलेगा, बॉब को क्या लगेगा, भाई मेरा डेस्टिनेशन कौन था, लेयर 2 पे, A1। और भेजा किसने है, सोर्स मैक लेयर 2 पे, A1 सर, A1 में। तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना, जिसको भेजा था उसने ही तो रिप्लाई करा। इतना प्रोसेस क्लियर है, बताएं। हाँ जी, नहीं सर, देखना पड़ेगा फिर से, सर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं, ध्यान से समझिए। अब एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बस इतनी क्लास है, ये प्रैक्टिकल होगा और फिर पढ़ना है आपको, क्योंकि बेसिक खत्म है। प्रैक्टिकल कर कर सर। हाँ जी, कल करूँ प्रैक्टिकल? हाँ कल कर लेना, कोई इशू नहीं, चलिए, ध्यान रखिए। ठीक है सर, मैं ये इसको रिविजन करूंगा सर। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ध्यान।